व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्याज फ्राई करके दिखाएंगे, जिसके लिए मैंने ये आधा किलो प्याज लिए और ये अब बकरीद आ रही है और बकरीद पे जो है हम प्याज पहले ही फ्राई करके रख लेते हैं, जो हमारा आगे को जो काम होता है वो आसान हो जाता है और इसके फ्राई करने से हमारा आधा काम निबट जाता है। ये हमारी बिरयानी में भी जाती है, फ्राई प्याज कौरमे में भी जाती है। तो इसके लिए हम आपको ये आज प्याज जो है फ्राई करके बताएंगे। उसके लिए हमें ये प्याज काटेंगे, ये प्याज छीलने के बाद में ये हम काट लेंगे और ये काटने के बाद में हमारा जो प्याज की अंदर से ये होती है ये भी हम काट लेंगे और ये काटने के बाद में हम इसे एक ही साइज़ में बारीक बारीक काटेंगे। आप चाहें तो छुरी से भी काट सकते हैं और चाहें तो आप कटर से भी काट सकते हैं। मैं आपको छुरी से काट के दिखाऊंगी। देखिए ये हमारी प्याज एक ही साइज़ में कटेगी तो ये बहुत अच्छी फ्राई होगी और बारीक बारीक हमें काटनी है, बहुत बारीक करके काटनी है और सब एक ही साइज़ में हमें काटनी है। मैं तो अक्सर हाथ से ही ज़्यादा काटती हूँ, लेकिन अगर आपके पास कटर है तो आप कटर से भी काट सकते हैं। अगर आप मोटी और पतली प्याज काटेंगे तो वो सही से फ्राई नहीं होगी, जो पतली बारीक प्याज कटी हुई होगी वो जल जाएगी और जो मोटी प्याज होगी वो कच्ची रह जाएगी। तो इस वजह से इसका एक ही साइज़ होना चाहिए और एक सी ही से प्याज को हमें काटना चाहिए। ये हमने काटी है। ये जो हम टोपी ऊपर से जो ये प्याज की ऊपर से ये उतारते हैं, इसके उतारने की वजह यह है कि ये हमारी प्याज ही कटती है, ये सब हमारे अलग अलग हो जाती है और जब हमारी ये प्याज अलग अलग हो जाती है तो ये बहुत अच्छी फ्राई होती है। तो बकरीद के टाइम पे हम बहुत काम होता है हमें और हम जो है ये प्याज पहले ही फ्राई करके रख लेते हैं, जिससे कि हमारा काम आधा हो जाता है। तो मैं इसी तरीके से अपनी ये प्याज काट लूँगी, मेरी आधा किलो प्याज है, मैं आपको ये फ्राई करके दिखाऊँगी। देखिए मैंने ये सब एक ही साइज़ की काटी है, मैं ये सब प्याज काट लेती हूँ पूरी फिर आपको दिखाऊंगी। देखिए ये प्याज मैंने काट लिए और ये प्याज काटने के बाद में हमें ये 10 मिनट के लिए ऐसी रख दें, जो इसका थोड़ा सा हल्का सा पानी है वो पंखे में हमारा खुशक हो जाएगा। देखिए ये प्याज हमने 10 मिनट के लिए रख दिए, अब हम इसको आपको फ्राई करके दिखाएंगे। और ये प्याज फ्राई करने से ये फ़ायदा होता है कि अगर प्याज सस्ती आ रही है तो आप इसी तरीके से प्याज फ्राई करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है और ये एक महीने तक हमारी प्याज चल जाती है और ये बिरयानी में भी हमारे डालने में काम आती है और ये कौरमे में भी काम आती है और बहुत से सालन ऐसे हैं जिसके अंदर हमें फ्राई प्याज चाहिए होती है और बकरीद पर तो हर सालन में पड़ती है। तो चलिए हम फ्राई करके दिखाते हैं। देखिए हमने रिफाइंड ऑयल डाल लिया और ये प्याज जो है ज़्यादा ही तेल में फ्राई होती है। देखिए ये हमारा तेल गर्म भी हो गया, अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके प्याज डालेंगे और इसमें प्याज को फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा प्याज होता है। प्याज हमने डाल दिए और ये अभी तो थोड़ी सी हल्के हल्के इसी तरीके से फ्राई होगी और अभी तो हमें इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, लेकिन जब ये प्याज हमारी गुलाबी होने लगेगी हमारी इस पर से नज़र नहीं हटानी है और हमारा इसी के ऊपर ही ध्यान होना चाहिए और बहुत अच्छी सीख के आएगी। और अगर आपने थोड़ा सा भी हल्का सा भी ध्यान इस पर से हटाया तो ये हमारी प्याज जल जाएगी, क्योंकि इसका टेम्परेचर तेज़ रहता है। हम अगर गैस को बंद कर देंगे जब भी ये हमारा तेल जो है गर्म रहेगा और हमारी इसमें प्याज जो है जल भी सकती है, तो इसीलिए हम इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रख के इसको प्याज को फ्राई करेंगे। वहाँ से मैंने ये प्याज डाली है, उस वहाँ से मैं हाथ नहीं रोक रही हूँ और इसे हल्के हल्के हिला रही हूँ और इसी तरीके से हमें हल्के हल्के हिला हिला के इसको फ्राई करनी है। और अगर हम हिलाएँगे नहीं तो ये एक तरफ से जल जाएगी और एक तरफ से कच्ची रह जाएगी, तो इस वजह से हमें इसको हिलाते रहना और इसको इसी तरीके से फ्राई करना है। और जब हल्की गुलाबी होना शुरू हो जाएगी तो फिर हम जल्दी जल्दी इसको हिलाएंगे और बस इसको निकालना शुरू कर देंगे। तो मैं आपको करके दिखाऊंगी, अभी मैं और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लूँ।
देखिए ये हमारी प्याज गुलाबी होना शुरू हो गई है। बस हम इसको थोड़ी देर में अब निकालना शुरू कर देंगे और नहीं तो ये हमारी जलने लगेगी। और जब हमारी प्याज जल जाती है तो हमारे सालन के अंदर अकलाट आ जाती है, वो कड़वा कड़वा लगने लगता है। तो बस हम इसको यहीं पर ही निकालना शुरू करेंगे। और इसको निकाल के हम किसी बर्तन के अंदर फैला के और इसको हम हवा में रखेंगे ठंडी करने के लिए। और जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ये हमने अपनी सब प्याज निकाल ली है और निकालने के बाद में हमारा जो ये तेल है ये हमारा किसी भी सालन में काम आ जाएगा, ये ख़राब नहीं होता है। तो चलिए हम अपनी प्याज को ठंडा करके दिखाते हैं। देखिए ये हमारी प्याज फ्राई हो गई है, देखिए ये बिल्कुल, और ये ठंडी भी हो गई, और देखिए ये कितनी खस्ता है। देखिए इसे बस ऐसी ही मसलने में ही बिल्कुल टूट जाएगी। अगर मेरी ये प्याज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे दुआ में याद रखिए। आपकी ख्वाहिशों के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।